जय हिंद इस वीडियो में हम लोग मेडिकल सेक्टर के एक पेनी स्टॉक जिसका नाम जैन फार्मासेक लिमिटेड कंपनी है इसको शॉर्ट कॉट में जेन फार्मा के नाम से भी जाना जाता है इसका मेडिकल चेकअप करेंगे एक भाई साहब का बहुत हम्बल रिक्वेस्ट था कि प्लीज इसके ऊपर वीडियो बनाइए तो हमने कहा चलो बना देते हैं तो आइए देखते हैं कि आखिर इस कंपनी में पेच कहाँ फंस रहा है ताकि उन्हें दिक्कत हो रहा है और उन्हें यह बात कहनी पड़ी तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे कि यह जो जे एन लिमिटेड कंपनी है यह पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन केमिकल सेक्टर के क्षेत्र में काम करती थी दो से यह फार्मा सेक्टर में उतरी है और जब से उतरी है धूम मचा के रखती है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा धूम मचाएगी और काफी ग्रो करेगी यह कंपनी अब समझिए इसका मार्केट कैप है एक करोड़ रुपया और मार्केट कैप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है शेयर प्राइस देखेंगे छः रुपये दो पैसा के आसपास है आज के दिन का शेयर प्राइस है और अप अब, अब ट्रेंड में मतलब शेयर प्राइस में तेजी आई है देखने को मिली है एक दिन में देखिए इसने पॉइंट टू फाइव परसेंट का रिटर्न दिया है मतलब शेयर प्राइस में तेजी आनी शुरू हो गई है और हाई लगाया है बारह रुपये चार पैसा का यहाँ तक हाई लगाने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया डायरेक्ट नीचे नहीं आया थोड़ा बहुत हिलते डुलते आया और उसके बाद से अब जाकर फिर शेयर प्राइस चढ़ना शुरू हुआ है एक सप्ताह का रिटर्न माइनस नौ प्रतिशत रह गया है घटकर और एक माह में भी तीस परसेंट अभी रिटर्न लॉस में है लेकिन जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ेगा यह जितना रिटर्न में दिख रहा है ना सब पॉजिटिव होते जाएगा ओके अब समझिए बाइंग प्रेशर कंपनी में बढ़ रहा है जब आपको पता है कि जब भी खरीदने वाला लोग अधिक होते हैं तो शेयर प्राइस में उछाल आना स्वाभाविक है तो आज के दिन इसमें देखेंगे तो करीब डेढ़ लाख लोग इसमें बाई करते हुए नजर आए इस कंपनी के शेयर को और सेल करने वाले लोग हैं सिर्फ तैंतालीस मतलब यह कि बाइंग प्रेशर कंपनी में अब बढ़ रहा है

और वहीं अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको शुद्ध मुनाफा कहते हैं क्योंकि यह टैक्स वक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है तो देखेंगे क्वार्टर थ्री में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ था लॉस हुआ था माइनस इकसठ लाख का कंपनी को लॉस हुआ था क्वार्टर टू में लेकिन वह बढ़कर क्वार्टर थ्री में मतलब इकसठ लाख के लॉस को रिकवर करते हुए कंपनी तेईस लाख के प्रॉफिट पर आई है मतलब समझिए कितना शानदार प्रॉफिट कंपनी ने प्राप्त किया है एक बात आप समझ समझिए अगर मेडिकल सेक्टर की कंपनी को प्रॉफिट ना हो तो समझ जाएगी कंपनी खराब नहीं है कंपनी का मैनेजमेंट खराब है आपको पाँच रुपये का दवा लेने जाते हैं मिनिमम उसका जो लागत होता है एक पैस एक रुपये के आसपास होता है लेकिन आपको पाँच रुपये को दवा देते हैं तो आपको क्या लगता है मेडिकल सेक्टर की कंपनी घाटा में रहेगी कभी घाटा में नहीं रहेगी अगर लॉस में है तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो बेहतर नहीं है अर्निंग पर शेयर देखिए अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है पिछले क्वार्टर में माइनस में था जो कि क्वार्टर थ्री में बढ़कर पॉजिटिव में आ गया है मतलब क्वार्टरली रिजल्ट को देखने से ये लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट फिलहाल अब ठीक हो रहा है और बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा रहा है आगे देखेंगे तो रिजर्व है कंपनी के पास मतलब जो कैश है माइनस में है कैश नहीं है डेप्ट देखेंगे कंपनी पर कर्जा बिल्कुल एकदम जीरो जीरो डेप्ट है आसेट्स की बात करें जो कंपनी के खुद की संपत्ति होती है वो सत्ताईस करोड़ बिरासी लाख की है और यह साल दर साल बढ़ते जा रही है अच्छी बात है कंपनी का आसेट्स बढ़ना चाहिए लेबिलिटीज अर्थात जो संपत्ति दूसरों को लौटानी है उतने रुपए की संपत्ति सात करोड़ पंद्रह लाख की है और यह भी क्वार्टर साल दर साल बढ़ते जा रहा है देखिए कर्जा बढ़ना लेबिलिटीज का होना ये बुरी बात नहीं है अच्छी बात यह है कि कंपनी उसको कम कर रही है कि नहीं कर रही है और उसका आसेट्स लैबिलिटी अधिक है कि नहीं और वो बढ़ रहा है कि नहीं तो यहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए वो है परफेक्ट है प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे लगभग सिक्सटी परसेंट इसमें प्रमोटर्स हैं पेनी स्टॉक में प्रमोटर्स का होना काफ़ी बड़ी बात है मैं बार बार यह बात कहता हूँ और पब्लिक के पास चालीस की हिस्सेदारी है मतलब प्रमोटर्स और पब्लिक के पास से ज़्यादातर इस कंपनी के शेयर इसमें एफ आई वाले नहीं है और देखेंगे इसका अब रजिस्टेंस लेवल चूँकि अब कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इसमें बाइंग करना चाहेंगे तो बाई कहाँ पर करना है रजिस्टेंस लेवल है इसका छः रुपये तीस पैसा अगर कंपनी का शेयर प्राइस इस छः रुपये तीस रुपये छः रुपये तीस पैसा सुपर चला जाता है वहाँ पर आप बाई करेंगे क्योंकि तो तब माना जाएगा कि कंपनी के शेयर प्राइस में अब असली तेजी आनी हुई शुरू हुई है और इसका सपोर्ट लेवल रहेगा पाँच रुपये तीस पैसा अगर कंपनी का शेयर प्राइस तुम नीचे नहीं आना चाहिए फिर भी मान लीजिए लुढ़कता है तो पांच रुपये तीस पैसा के आसपास तक आ सकता है उससे नीचे नहीं आएगा तो अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी शानदार है फंडामेंटल भी ठीक है और मेडिकल सेक्टर की कंपनी है 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 तो तो फ्यूचर में ग्रो करेगी इसकी पूरी संभावना इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं और जिसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर हैं वो बेशक होल्ड कीजिए आने वाले समय में कंपनी आपको मलामाल करेगी और जरूर करेगी बाकी अगर मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया